अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बताऊंगा कि हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अदर कंट्री का किस तरीके से हम लोकल या अंतर्राष्ट्रीय रिचार्ज किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, यानी बहुत ही आसान तरीका है। एक एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको करके बतलाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या अदर कंट्री कहीं का भी रिचार्ज कर सकते हैं अपने एटीएम के थ्रू। अपने एटीएम के अपना जो आपका एटीएम होता है बैंक का, अलड़ा जी का हो या एनसीबी का हो या किसी भी बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है अगर, तो उसके थ्रू जो है आप जो है बहुत ही आसानी से अपना इंडिया का रिचार्ज कर सकते हैं इंटरनेशनल। किस तरीके से करते हैं चलो मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा। चलते हैं हम अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोडिंग कर लेना, डिंग टॉप अप मोबाइल रिचार्ज, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा इसका, ठीक है। इसको जो है डाउनलोडिंग करने के बाद में आपको जो यहाँ पे इसको ओपन कर लेना। ओपन अगर आप करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे ओपन होने के बाद में सिंपली आप जो है इसको नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आप इसको, अगर आपने इसको जो है लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लॉगिन आप अपने मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं और जीमेल जो आईडी होती है हमारी उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली मैं अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ 11228 और यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको जो है यहाँ पे मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आ गया है, ठीक है, 21 और 69, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरा ये ओपन हो गया है, ठीक है। इस तरह का आप भी अगर चालू करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो ऊपर जो लिखा हुआ आप है, ठीक है, सेंड टॉप अप, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लिक करेंगे यहाँ पे अलाउ कर देंगे और यहाँ पे देखिए योर कॉन्टेक्ट, अगर आपके मोबाइल में वो नंबर सेफ है तो यहाँ से आप वो भी मोबाइल नंबर जो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे जो कीपैड है यहाँ पे लिखा हुआ, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सिंपली अगर आपको लोकल रिचार्ज करना है तो यहाँ पे लोकल नंबर डाल दें अपना जो भी है, 091 लगा 053, जैसे यहाँ पे सऊदी अरब में 05018112228 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये तो लोकल हो गया हमारा, ठीक है। तो हमें लोकल नहीं करना, हमें अंतर्राष्ट्रीय करना, हमारा इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय रिचार्ज करना, ठीक है, नेट का। तो यहाँ पे हमें नेट का करना है या कौन सा करना है मैं बताऊंगा। यहाँ पे अपना सिंपली 91 लगा के अपना नंबर डाल दें, यहाँ पे जो भी आपका नंबर है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का वो नंबर डाल दें यहाँ पे और यहाँ पे नेक्स्ट कर दें, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो इस पे पहले से बना रखा है, लेकिन वो लोग कुछ कह रहे हैं कि इसमें जो क्लियर बता नहीं पा रहे हैं, नहीं आ रहा है यहाँ पे सही से, हम कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है। इसको देख के बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें टॉक टाइम अगर चाहिए, ठीक है, तो टॉक टाइम भी है यहाँ पे, ठीक है। ये 4 रियाल में हमें 100 रुपए है इंडिया के, अगर ये 28-29 रियाल में हमें 500 रुपए इंडिया के, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पे टॉक टाइम वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिचार्ज नेट वाला, इंटरनेट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे प्लान पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे प्लान भी आ गए, ठीक है। इसमें से हम कोई भी, यानी हम एक जो है रिचार्ज यहाँ पे ढूंढ लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है कितने में, यहाँ पे देखिए 15 रियाल में है ये, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 28 दिनों का रिचार्ज है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 GB है ये एक महीने के लिए, और यहाँ पे देखिए 84 दिनों के लिए ये यहाँ पे कितना 26 रियाल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 6 GB डाटा है और 900 SMS है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, जोन सा भी आपको रिचार्ज करना है, ये एक महीने वाला करना है, 84 दिनों वाला करना है, ठीक है, या 20 दिन वाला, 28 दिन वाला, सब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको करके बता रहा हूँ सिंपली एक। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीजा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो वीजा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके ये बाजू में यहाँ पे ये आइकन है एक, ठीक है, इस वाले आइकन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो आइकन है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड आ गया, पेपैल, ठीक है, यहाँ पे गूगल पे या फोन पे कोई भी है, यहाँ पे जो भी कार्ड आपके पास हो वो देखें। तो यहाँ पे हमें जो लिखा हुआ न्यू क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो भी हमारे पास, मैंने बताया आपके पास एक एटीएम कार्ड होगा, उस एटीएम कार्ड का जो यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर डालना हमें, ठीक है, यहाँ पे हमें कार्ड नंबर डालना और यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालनी है हमें,
तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें कार्ड नंबर डालना है ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे डालना है हमें कार्ड पे जो हमारी एक्सपायरी डेट होती है वो डालनी है, और कार्ड के पीछे होता है एक सीवीवी नंबर, ठीक है, तीन बोलों का नंबर जो होता है, तीन बोल होते हैं पीछे, कार्ड को पलट के आप देखेंगे इस तरह के, तो यहाँ पे देखिए तीन बोल जो होते हैं तो वो यहाँ पे डाल देने, ठीक है। कार्ड पे जो हमारा नाम होता है वो हमें नाम डाल देना है यहाँ पे, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे 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 क्लिक कर देंगे। पे पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कार्ड ऐड है यहाँ पे, तो सिंपली मुझे क्या करना है यहाँ पे मुझे कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। आपका कार्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं छेड़ना हमें यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं छेड़ना है यहाँ पे, सिंपली हमें कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो मैं बता रहा था आपको सीवीवी नंबर, तो यहाँ पे मुझे सीवीवी नंबर डाल दिया मैंने अपना और पे करना, ठीक है। ये यहाँ पे 6 रुपए 98 हलाले यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा मैंने, और क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सर्च होता है, यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जो हमारे जो बैंक में रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, उस पर जो हमारा एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी हम डाल देते हैं यहाँ पे फिर अपना, यहाँ पे जी ओटीपी हमारा 0555 10, ठीक है, और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, ये देखिए हमारा जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे आप देख सकती है यहाँ पे जो हमारा रिचार्ज सक्सेसफुली हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप भी अपना रिचार्ज कर सकते हैं इजिली, बहुत ही आसान तरीका है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, ये देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया, मैं मैसेज दिखाई देता हूँ आपको, देखिए मेरे यहाँ पे जो रिचार्ज 99 रुपए वाला जो यहाँ पे सक्सेसफुली फॉर योर एयरटेल मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिचार्ज जो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इस तरीके से आप भी अपना मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे जो है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दें। अस्सलाम वालेकुम।